नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह अच्छे होंगे। आज हम लोग एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2018 के ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इससे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछले वीडियोज़ में आप ध्यान देखेंगे और उस वीडियो का लिंक जो नीचे दिया गया ज़रूर पहले देख लीजिए। तो उस लिंक के द्वारा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, देखिए उस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो वैसे क्वेश्चन का डिस्कस आज हम लोग करेंगे और समझेंगे कि ये कितना यूज़फुल है इस एग्जामिनेशन में, जो एसएससी मेंस एग्जामिनेशन जो हुआ था, और ये आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन तो हम लोग को डिस्कस करना ही चाहिए ताकि उससे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाती है हम लोगों को और कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जो 2018 में पहला क्वेश्चन है मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री कॉस थीटा, ये कंडीशन दिया गया है। साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री कॉस थीटा। अब यहाँ कंडीशन के अलावा जो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू निकालने के लिए जो बोला गया है, यह है टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये इसकी वैल्यू निकालना है आपको और ये कंडीशन के रूप में दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम एंगल निकाल लेते हैं। एंगल यहाँ निकल सकता है तो एंगल निकाल लेते हैं, इस साइन बाई कॉस कर देंगे, कॉस को डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये मैं थ्योरेटिकल वाला जो वीडियो है उसमें बताया था कि साइन बाई कॉस का मतलब होता है टेन, और टेन में रूट थ्री वैल्यू होता है टेन सिक्सटी डिग्री का, टेन सिक्सटी रूट थ्री होता है। देयरफॉर हम इसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों तरफ टेन टेन को रिमूव करा देंगे। अब इसी थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। यह लिखा जा सकता है टू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 60 इंटू सेक 60 प्लस कॉसेक 60। अब बाकी आगे जो है वो कैलकुलेशन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस कैलकुलेशन का क्या रिजल्ट निकलता है। साइन 60 बराबर होता है रूट थ्री बाई टू, जिसको अगर स्क्वायर कर ले तो थ्री बाई फोर रूट थ्री, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ताकि एक स्टेप कम हो जाए एग्जामिनेशन में। ये चीज़ें धीरे धीरे यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशन में आसानी होगी सॉल्व करने में। रूट थ्री बाई टू का मतलब अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और टू का स्क्वायर फोर। इसी तरह से सेक 60, तो आपको पता है कि कॉस 60 हाफ होता है तो सेक 60 टू होगा। देयरफॉर इसे लिखा जा सकता है टू का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? अब यहाँ आ जाएगा साइन 60। साइन 60 का मतलब होता है रूट थ्री बाई टू। फिर से आ गया सेक 60। सेक 60 का मतलब क्या होता है? टू प्लस कॉसेक 60। तो आपको पता है कि साइन 60 रूट थ्री बाई टू, तो उसका उल्टा होगा टू बाई रूट थ्री। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर दीजिए, यही हमारा आंसर है। कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसका एलसीएम होगा टू रूट थ्री, टू से डिवाइड करेंगे तो रूट थ्री, रूट थ्री से ये मल्टीप्लाई हुआ थ्री रूट थ्री, ये फोर हो जाता। फोर से अगर मल्टीप्लाई करें तो चार दुना आठ रूट थ्री, दो से अगर डिवाइड करें तो रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री टू जा सिक्स, और फिर इसे दो दुना चार। आ रहा समझ में इतना? अब इसका आंसर हो जाएगा टेन प्लस आठ प्लस तीन मतलब ग्यारह रूट थ्री अपॉन में टू रूट थ्री, ये हमारा आंसर है। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान, वो कैलकुलेशन पर आप डिपेंड कर सकते हैं। कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये देखते ही 60 डिग्री समझ लेते हैं आंसर, ये प्रैक्टिस करने पर आएगा। तो वही मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि प्रैक्टिस करें और जैसे ही वैल्यू निकलेगा फटाफट वैल्यू रख करके कैलकुलेशन कर लीजिए। इतना तो कैलकुलेशन करना होगा, सिंप्लीफिकेशन टाइप का हो जाता है उसके बाद, फिर कि सिंप्लीफाई कीजिए आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए आगे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है,
क्वेश्चन ये दिया गया कि कॉस सिक्स, कॉस जो है कॉस का पावर सिक्स थीटा प्लस इसी तरह है साइन का पावर सिक्स थीटा माइनस वन, क्लियर। फिर मल्टीप्लाई में दे दिया गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पूछा कि इसका मान क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने थ्योरेटिकल वाले जो वीडियोज हैं उस वीडियो में आप देखिएगा, वीडियो का आप जरूर मदद लें, यहाँ पर जो लिंक दिया गया है पीछे वाला वीडियो यहाँ पर हेल्प करेगा। मैं डायरेक्ट इसको इसलिए बना रहा हूँ ताकि टाइम बर्बाद ना हो। तो कॉस सिक्स थीटा यानी कि पावर सिक्स और साइन का पावर सिक्स थीटा का वैल्यू होता है वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होता है। और उसके बाद माइनस वन लिखा गया, देखिए माइनस वन से प्लस वन तो यहाँ कैंसिल होना तय है। अब आगे देखेंगे कि अब यह टेन स्क्वायर थीटा है और उसके बाद फिर है यह कॉट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस टू दिया गया है। अब चाहे तो इसका हम वैल्यू निकाल करके आसानी से बना सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर इसको, चलिए एक स्टेप में लिख दे रहा हूँ समझने के लिए यहाँ पर, हालांकि ये स्टेप्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान है, बना सकते हैं आराम से, डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, लेकिन चलिए समझने के लिए लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बच रहे हैं कि माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बात समझ में आ गई। अब इसे लिखा जा सकता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा, इसे लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा, अरे समझ में, प्लस इसको लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बात तो समझ में आ रही होगी आप लोगों की। आगे लिखा जा सकता है माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हैं वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा और वन बाई साइन स्क्वायर थीटा, बात समझ में आ गई। माइनस थ्री तो है, माइनस थ्री को तो अगर हम बाहर रखें, माइनस थ्री को अगर हम बाहर रखें और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो अंदर में यह लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस कॉस पहले बार में कट जाएगा, दूसरे वाला में साइन साइन कटेगा, तो बचेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वन होता है, देयरफॉर इसे लिख सकते हैं माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू माइनस थ्री आंसर। इस तरह से क्वेश्चन देखिए दो चार स्टेप में, एक तरह से तीन स्टेप में ये क्वेश्चन बन गया है, एक स्टेप तो इसका आंसर ही है, तो तीन स्टेप में एक तरह से बना सकते हैं क्वेश्चंस, बहुत आसान है। और अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे तो ये तीन स्टेप्स भी नहीं लगेंगे आपको, उससे भी कम स्टेप्स में बन जाएंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में एक दो स्टेप तो ऐसे ही माइंड में आ जाता है, तो ये सब प्रैक्टिस करने पर आएगी। तो प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ, आप पेशेंस रखें, पेशेंस के साथ पढ़ें, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री पेशेंस का ही चीज़ है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा तब आप समझेंगे। अब देखिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि उसको डायरेक्ट देख करके आपको डर लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत आसान। देखिए कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन ए, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, साइन ए टू मल्टीप्लाई साइन ए, इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ मैं, और वन प्लस साइन ए मल्टीप्लाई है, टू साइन ए मल्टीप्लाई वन प्लस साइन ए, और बाई में लिखा गया है वन प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, बोला गया कि इसका क्या वैल्यू हो सकता है, और चार ऑप्शन है, और चार ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये ट्रिगोनोमेट्री वाला वैल्यू है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या वैल्यू होगा, यहाँ वन प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, वन माइनस साइन ए कॉस ए, वन प्लस कॉस ए साइन ए, ये तीसरा ऑप्शन है, चौथा है वन प्लस साइन ए कॉस ए। देखिए ये ऑप्शन है, चार ऑप्शन मैंने दे दिया यहाँ पर, बोला कि इसका आंसर क्या है। तो हर बार कोई ज़रूरी नहीं है कि थ्योरेटिकल मेथड है तो थ्योरेटिकल मेथड भी जाएगा, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि एंगल का भी वैल्यू पुट करके भी आंसर निकालते हैं, जहाँ भी पॉसिबल हो सके तो ऐसा वैल्यू डालेंगे कि ये सॉल्यूशन करना आसान हो जाए। चाहे तो 30 डिग्री भी रख सकते हैं, 45 डिग्री भी रख सकते हैं, 60 डिग्री भी रख सकते हैं, 0 और 90 भी रख करके देख सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी वाला सिचुएशन ना हो या 0/0 वाला सिचुएशन ना हो तब। तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि अगर हम 0 रखें, ए का वैल्यू अगर 0 रखें क्वेश्चन में तो क्या होता है, आपको समझ में आएगा कि साइन का वैल्यू हो जाएगा 0, साइन 0 0, और आपको पता है कि यही 0 हो जाएगा क्योंकि
ये जो अगर 0 डिग्री वैल्यू रखें, डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, समझिए कि ए का वैल्यू अगर 0 डिग्री रख दें हम, तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा ना ये पहले वाला ब्रैकेट में, और साइन 0 डिग्री का मतलब होता है 0, तो जब मल्टीप्लायर ही 0 हो गया तो न्यूमरेटर ऊपर पूरा 0 हो गया, और बाई में ये साइन ए वाला 0 हो जाएगा, कॉस ए का मतलब होता है 1, यानी 1+1, यानी फाइनली हो जाएगा 0/2, यानी इसे हम लिख सकते हैं 0। बात समझ में आ रही है? ये आया ए का वैल्यू 0 डिग्री रखने पर। अब यही ए का वैल्यू क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं इसमें अगर रखते हैं, जिसका भी आंसर अगर 0 आता है, 0 वैल्यू आता है, वही इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं आएगा वो आंसर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझते जाइए यहाँ पर कि साइन 0 डिग्री का मान यहाँ रखेंगे, ठीक है, ए का वैल्यू 0 डिग्री, तो साइन 0 अगर यह 0 हुआ तो ये पूरा 0, तो आंसर इसका हो जाएगा 1। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से अगर यह 0 हो जाएगा तो कॉस 0 1 होता है, तो इस वाले का आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 1 और प्लस कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1+1 मिलकर के हो गया 2। ये भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन कट हो गया। तीसरा ऑप्शन में जाते हैं, इसका वैल्यू 0 रखेंगे साइन 0, तो ये मल्टीप्लाई है कॉस से, तो यह 0 कर देगा इस वाले पोर्शन को, तो इसका भी वैल्यू आंसर आएगा 1, तो इसका मतलब तीनों कट हो गया। जैसे ही तीनों कट हो गया इसका मतलब चौथा आंसर है। देखिए कैसे, क्योंकि अगर यह 0 होता है, साइन 0 का मान अगर 0 होता है, तो इसका जो कॉस ए है इसका मान जो होगा ये 1 होगा, ये तो 0 होगा। तो आपको पता है 1-1 का मतलब होता है 0, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। और मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लास्ट ऑप्शन से लिया था, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन से ही अगर ये वैल्यू पुट करते हैं और जहाँ 0 हो जाता है यही आंसर हो जाता। बात समझ में आ रही है? लेकिन बाकी भी एक बार चेक कर लेना जरूरी है ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो थ्योरेटिकली अगर बनाने जाएंगे तो काफ़ी टाइम ले लेगा ये क्वेश्चन, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा थ्योरेटिकल अप्रोच ही अपनाएं, कभी कभी एंगल वाला जो अप्रोच है ना, वो एंगल अप्रोच से भी हम क्वेश्चन चाहें तो बना सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है ये, बहुत सारे क्वेश्चन में मतलब जा सकता है और यूज हो सकता है। क्लियर? अब नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि cos 9° प्लस sin 81°, ठीक है, और यह मल्टीप्लाई होता है sec 9° प्लस cosec 81°। क्लियर? अब नीचे में क्या दिया है, नीचे में दिया है यहाँ पर साइन 56° मल्टीप्लाई सेक 34°, ठीक है, फिर प्लस में दिया गया है, प्लस में है यह कॉस 25° और मल्टीप्लाई कॉसेक 65°। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, किस तरह से ये बनेगा। आपको पता है मैंने बताया था इस थ्योरेटिकल वाले रूल में, वीडियो में, ये वीडियो मैंने बताया कि बहुत ही यूजफुल है, जो मैंने वीडियो बताया है ये समझ में आप आसानी से समझ सकते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में। और ये मैंने वीडियो में बताया कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा और थ्योरम उसका क्या है। तो मैंने बताया था, रिकॉल कीजिए, कि यदि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90° होता है तो इसका मतलब ये होता है कि साइन ए बराबर कॉस बी होगा। बात समझ में आ रहा है? या फिर कॉसेक ए बराबर सेक बी होगा। यही दो रूल अप्लाई कीजिए, रूल तो मैंने बहुत सारे बताए थे लेकिन यहाँ पर यही रूल अप्लाई करना है। तो आपको इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि यह 81° है और यहाँ भी 81° है, तो 81 वाले को 9 में कन्वर्ट कर लीजिए, ज़्यादा आसान है। तो आपको पता है कि कॉस बी बराबर साइन ए, अगर यह 81 बी है और ए वाला ए है, तो 9 में चेंज करेंगे जैसे ही 81 को, क्योंकि 81 प्लस 9 मिलकर के 90 हो जाता है, जैसे ही 81 को 9 में चेंज करेंगे यह साइन जो है यह कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफोर इसे हम लोग लिख सकते हैं एक स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ समझने के लिए, कि कॉस 9° और कॉस 9°, ये ऐसे लिखा जा सकता है, कोई डाउट? इसी तरह से सेक 9° है और प्लस जो कॉसेक है, कॉसेक चेंज करता है सेक में, पता है आपको, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग सेक 9° के 81 और 9 मिलकर के होता है 90, और बाई में सेम प्रोसेस से
कॉस जो 56 डिग्री दिया गया है, तो 56 और 34 मिलकर के 90 होता है, तो साइन जो है वो चेंज करेगा कॉस में, तो कॉस 34 डिग्री हो जाएगा, 90 मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा, और उसी तरह से ये हो जाएगा सेक 34 डिग्री। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? या इस वाले कॉस को मतलब कॉसेक में चेंज कर लीजिए, या कॉसेक को सेक में चेंज कर लीजिए, बात वही होगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं प्लस कॉस 25 डिग्री मल्टीप्लाई कॉसेक जो है वो सेक में चेंज करता है, बात समझ में आ रही है? तो ये चेंज करता है सेक में, और ए और बी, तो इसका मतलब 90 में से 65 घटा कर लिख दीजिए 25, ऐसे भी सोच सकते हैं, क्लियर? तो अब यहाँ पर इसे हम बना सकते हैं कि 2 दो बार यह कॉस 9 है, तो 2 कॉस 9 डिग्री मल्टीप्लाई, ये दो बार सेक है, तो 2 सेक 9 डिग्री। आपको पता है कि कॉस और सेक का मल्टीप्लाई 1 होता है अगर एंगल सेम हो, तो ये 1 हो गया, फिर प्लस 1, क्योंकि कॉस और सेक का मल्टीप्लाई 1 होगा अगर एंगल सेम हो तब। तो आपको पता है कि कॉस और सेक ये दोनों का मल्टीप्लाई भी 1 होना चाहिए, देयरफॉर 2 दूना 4 और बाई में आ गया 2, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, इस तरह से इसका आंसर 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन समझ लेना है, बात समझ में आ रही है? चलिए इस क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लगभग यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है, बस उसको क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। अब तरीका क्या बदला है अब ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये दिया गया कि कॉसेक, ये है कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा, फिर उसके बाद लिखा सेक 25 डिग्री माइनस थीटा, एक में प्लस थीटा है एक में माइनस थीटा है, उसके बाद लिखा टेन स्क्वायर 20 डिग्री, उसके बाद क्या लिखा प्लस में टेन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस, उसके बाद लिखा गया कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री, बात समझ में आ रही है? अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, किस तरह से ये बनेगा। हमें पता है कि अगर 65 और 25 को जोड़ ले, प्लस कर ले, तो यह 90 होता है, और प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो गया, बात समझ में आ गया? अगर इसको हम ए मान ले और इसको बी मान ले, बात समझ में आ रही है? तो ए प्लस बी बराबर अगर 90 होता है, तो कॉसेक ये ए है, अगर कॉसेक को सेक में चेंज कर ले, तो सेक में चेंज करेंगे तो यह एंगल ए जो है यह बी में कन्वर्ट करेगा, और बी हमारा क्या है 25 माइनस थीटा, तो इसको लिख देंगे 25 माइनस थीटा, बात समझ में आ रहा है? बी वाला एंगल आ जाएगा, इसी तरह से सेक 25 डिग्री माइनस थीटा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया, चलिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ कि अगर कॉसेक में लिखा गया है कि कॉसेक अगर 25 डिग्री होता और सेक अगर 65 डिग्री होता, अगर हम 25 को ए मान के चल रहे हैं और इसको बी मान के चल रहे हैं, तो कॉसेक को सेक में चेंज करेंगे तो सेक हो गया, और कॉसेक ए बराबर सेक बी होता है, कॉसेक ए बराबर सेक बी, अब बी हमारा क्या है 65, यानी इस पूरे के जगह पर हम ये वैल्यू डाल सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बी वाला एंगल ये वाला एंगल डाल दिया, क्लियर? अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 20, उसी तरह अब यहाँ समझिए कि कॉसेक है, कॉसेक जो है वो सेक में कन्वर्ट होता है, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर, और 20 और 70 मिलकर के होता है 90, तो जब यह 70 अगर ए है तो इसका मतलब 20 बी होगा, तो हमें बी वाला एंगल रखना है 20 डिग्री, बात समझ में आ गई यहाँ से? अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस में और ये प्लस में, यानी कि माइनस अगर हम कॉमन कर लें तो इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 20 डिग्री, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस 1, रूल के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस 1, क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ध्यान देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर बाई में लिखा गया
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं, अगर ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन का ऑप्शन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में ना हो तो डेंजरस होता है, थोड़ा बनाने में टाइम लग जाता है। तो अब ध्यान देखेंगे कि कॉस थीटा और वन प्लस साइन थीटा पहला ऑप्शन, उसी तरह से दूसरा ऑप्शन है टू कॉस थीटा और वन प्लस सेक थीटा, तीसरा ऑप्शन है सेक थीटा वन प्लस साइन थीटा, चौथा ऑप्शन है टू सेक थीटा और वन प्लस सेक थीटा। अगर यहाँ पर हम एंगल वाला अप्रोच अपनाए तब भी समय ले लेगा, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू पुट करना होता है फिर चारों ऑप्शन में चेक करना होता है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम डायरेक्ट थ्योरेटिकली बनाएं तो ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वन प्लस टू कॉस थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ ऑलरेडी है साइन स्क्वायर थीटा, बाई में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का मतलब होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और इसे लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। देयरफोर अगर इसे बनाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा वन, बात समझ में आ रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस वन, चलिए टू कॉस थीटा लिखा लिख सकते हैं ना। अगले स्टेप में कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमें ये वन प्लस वन का मतलब होता है टू, चलिए अगले स्टेप में एक बार और लिख लेते हैं समझने के लिए कि टू प्लस टू कॉस थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। आगे हम इसे लिख सकते हैं टू, ये वाला टू कॉमन हो जाएगा दोनों में है तो, और कॉस ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस वन प्लस कॉस थीटा। अगर इसे एक सेक से मल्टीप्लाई कर ले, मतलब कि दो सेक थीटा होगा और एक सेक अगर अंदर में हो जाए तो यह वन जो है वो सेक से मल्टीप्लाई होगा तो सेक, और सेक और कॉसेक का कॉस का मल्टीप्लाई होता है वन। देखिए अब यहाँ चौथा ऑप्शन मिल रहा है ना, टू सेक थीटा वन प्लस सेक थीटा यानी सेक थीटा प्लस वन। यहाँ पर देखिए कि एक दो तीन, तीन स्टेप में ये क्वेश्चन बन गया है, तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन बनाना कभी कभी ज़्यादा आसान हो जाता है, तो उस मेथड से भी हम लोग जाएंगे। यहाँ एंगल अप्रोच वाला काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकता है, एंगल अप्रोच करके मत जाइए ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, जहाँ पर ऑप्शन वेरिएबल के रूप में हो यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में ना हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए कुछ इसी तरह का है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। देखिए पहला है, ये लिखा गया साइन ए वन माइनस कॉस ए वन माइनस कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए बाई वन माइनस कॉस ए प्लस वन माइनस कॉस ए बाई साइन ए। अब इसको डिवाइड कर रहा है, मैं क्वेश्चन का वेरिएबल जो एक तरह से वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें डाइवर्सिटी है क्वेश्चंस में, इस चीज़ पर आप फोकस करें। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ये ए है, ये ए दे दिया कॉट स्क्वायर ए, फिर लिखा वन प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वन, इससे डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस है, अलग अलग एक ही टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और पूछा कैसे जा रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करना क्या है कि आप पहले एलसीएम ले लें, साइन ए वन माइनस कॉस ए लिखा जा सकता है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वन माइनस टू कॉस ए लिख सकते हैं, डिवाइड देके कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और बाई में लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, थीटा नहीं यहाँ पर एंगल ए है तो ए ही लिख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, और माइनस वन और प्लस वन। आ रहा समझ में, क्लियर है ये क्वेश्चन। अब इसे हम लोग बनाएंगे कैसे, किस तरह से ये क्वेश्चन अप्रोच करेगा, यहाँ माइनस नहीं है ये प्लस है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब वन होता है, तो इसे लिख सकते हैं वन, फिर आगे है वन
माइनस टू कॉस ए बाई में साइन ए वन माइनस कॉस ए, लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस वन का मतलब होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे है ए प्लस बी, तो ए माइनस बी होता है। मतलब इसे लिख सकते हैं हम लोग कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, यानी स्क्वायर हट गया क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे फॉर्मूला मैंने अलजेब्रा में बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी का मतलब होता है ए प्लस बी, ये अलजेब्रा वाला रूल यहाँ फॉलो करेगा। तो एक तरह से यहाँ पर अगर प्लस हो जाए तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस वाला अप्रोच हुआ, और प्लस वन तो है ही। आ रहा समझ में? अब इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या देखेंगे, वन प्लस वन इसको टू मान के चलिए कुछ देर के लिए, वन प्लस वन को हम क्या मानेंगे, टू मान करके चलें, टू कॉमन कर लें, तो यह होगा वन माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए वन माइनस कॉस ए, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, ये वन से वन कैंसिल हो गया, तो देयर फोर ये कॉसेक है, ठीक है। अगर इसको हम एक तरह से डिवाइड करके साइन कर लें, कॉसेक का मतलब वन बाई साइन, अब यहां देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, साइन से साइन यहां पर एक तरह से कैंसिल हो गया क्योंकि डिवाइड कर रहा है, तो बचा दो, यानी इसका दो आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया देखिए, वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा बाई वन माइनस साइन थीटा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर ये दिया गया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें सेक थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो का क्या मतलब होता है? कंपोनेंडो डिविडेंडो का पहले रूल समझ लीजिए कि रूल कहता है कि a प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर सी बाई डी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर माइनस वाला यहाँ एक तरह से नीचे है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो a बाई बी का मान क्या होगा, a बाई बी, तो a बाई बी का मान क्या होगा, पहला और ये, तो इसका वैल्यू होता है c प्लस डी बाई सी माइनस डी, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, क्योंकि b और b एक बार में कट जाएगा और दूसरा बार में माइनस करने पर a और a कट जाएगा। तो अब हमारा a की जगह पर है यहाँ वन और b की जगह पर है साइन थीटा, तो इस वाले पोर्शन में क्या लिखा जा सकता है, वन बाई साइन थीटा, और बराबर ये लिखा जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अगर इसे उल्टा कर लें कुछ देर के लिए तो यह हो जाएगा साइन थीटा और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो अगर हम बेस लिखना चाहें, ठीक है, बेस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बेस का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका मतलब इसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। तो देयरफॉर इसे लिखा जा सकता है फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब यहाँ रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा, देयरफॉर इसे टू पी क्यू लिख सकते हैं, ये हमारा बेस होगा। और क्वेश्चन कहता है सेक का मतलब होता है एच बाई बी, मतलब हाइपोटेनियस बाई बेस। हाइपोटेनियस का मतलब है यहाँ पर एक तरह से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बाई में है यह टू पी क्यू, क्लियर। तो वन बाई टू यहाँ कॉमन हो जाएगा, वन बाई टू कॉमन हो जाएगा, जब हम डिवाइड करें तो यह हो जाएगा पी बाई क्यू और अगला में हो जाएगा क्यू बाई क्यू, ये आंसर है। एकदम ईजी क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर वैल्यू जो है वो अलजेब्रा टाइप में निकाल लेना है एक तरह से, और अलजेब्रा के हिसाब से आप चाहे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रिवाइज करके देख लें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खुद से भी साथ साथ बनाने का प्रयास करें। खुद से बनाएंगे तो क्वेश्चन का साथ साथ यहाँ पर मैं एक तरह से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री है और
कॉट स्क्वायर फाई, ये कॉट स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई, कॉट स्क्वायर कॉस कॉट स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई बराबर लिखा गया है या कॉस स्क्वायर फाई। ये कंडीशन है, इफ कंडीशन है, यदि 3 मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई इजिकल टू कॉस फाई है, तो अब आपको यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए बोला रहा है। क्या वैल्यू निकालना है, अब ध्यान रखेंगे, टेन स्क्वायर फाई, टेन स्क्वायर फाई प्लस कॉसेक स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये हमें वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अगर हमें एंगल पता है तब तो आसानी से निकाल लेंगे ना। अब एंगल हमें पता कैसे चलेगा, तो चलिए एंगल पता करते हैं, तीन से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर फाई, फिर यह हो जाएगा माइनस 3 कॉस स्क्वायर फाई बराबर, इसे लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर फाई, ये 3 वाला जब राइट साइड में जाएगा तो 4 बार हो जाएगा, तो इसे लिखा जा सकता है 3 कॉट स्क्वायर फाई बराबर 4 कॉस स्क्वायर फाई, लिख सकते हैं ना, ऐसा बहुत आसान है। अब चाहे तो हम इसे कुछ और चीज़ें लिख सकते हैं, कैसे, इसे लिख सकते हैं 3/4, ये 4 जो है लेफ्ट में जाएगा, और कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर फाई और बाई में साइन स्क्वायर फाई बराबर कॉस स्क्वायर फाई, कॉस से कॉस कट गया। अब ये साइन लेफ्ट साइड में जाएगा तो इसको लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर बराबर, इसे लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर फाई। बात समझ में आ रहा है, यहीं पर आपको देख के पता चल जाएगा साइन 60 मतलब √3/2 होता है। लेकिन अब चलिए एक स्टेप और मैं बता देता हूँ कि साइन फाई दोनों तरफ स्क्वायर हट गया, देयरफॉर लिखा जा सकता है √3/2 या साइन के रूप में यह साइन 60 होगा, देयरफॉर फाई का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री आता है, साइन का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री आता है। अब देखिए यहाँ पर 60 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे, यानी यह हो जाएगा टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्लियर। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि साइन 60 का मतलब होता है √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉसेक 60 का मतलब होता है 2/√3, क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है तो 2/√3, और इसका होगा √3/2 का स्क्वायर, तो यह होगा 3, यह हो गया 4/3, ये हुआ 3/4। बात समझ में आ गई। अब इसे हम डिवाइड करें, यह 12 हो गया, 12 + 36 4 × 16 और 3 × 3 = 9, तो इसको हम 61/12 लिख सकते हैं, 61/12, या इसे लिख सकते हैं 5 whole 1/12 आंसर, ठीक है, 61/12 या 5 whole 1/2 आंसर, इस तरह से लिख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, sec² θ / cosec² θ और अगला है cosec² θ और sec² θ, क्लियर, माइनस इसे लिख सकते हैं, ये अगला है sec² θ और cosec² θ, ये क्वेश्चन है। अब इसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या है, कैसे इसको हम बनाएं, तो आपको पता है कि sec² θ / cosec² θ इसे हम लोग लिख सकते हैं tan² θ और इसको लिख सकते हैं हम लोग cot² θ, बात समझ में आ रही है, माइनस इस वाले को लिख सकते हैं 1 + tan² θ और 1 + cot² θ, क्लियर। अब यह माइनस से मल्टीप्लाई है इसलिए cot से cot कैंसिल होगा, tan से tan कैंसिल होगा, क्योंकि माइनस है, और -1 और -1 मिल करके हो जाएगा -2, यानी -2 इसका आंसर है। इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ही लाइन में बन जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को यहाँ पर अगर समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब फॉर्मूला में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिए जो लिंक में दिया गया है मेरा, उससे आप आसानी से क्वेश्चन समझ पाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा गया है, sin θ - cos θ और 1 + tan θ + cot θ और बाय में लिखा गया है 1 + cos θ / sin θ, ये क्वेश्चन है।
अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसका आ सकता है आंसर। अब देखिए इस वाले पोर्शन को साइन और जो कॉस दिया गया है इसको चाहे तो कुछ नहीं करें, सेम रहने दें, इसे लिख सकते हैं। इसका जो ऑप्शन है ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वेरिएबल में है, साइन कॉस में, इसलिए इसे हमें सॉल्व करना पड़ता है, नहीं तो एंगल के थ्रू भी हम बना सकते थे। अगला स्टेप में ये टेन है तो इसे साइन बाई कॉस कर लें और इसको कॉस बाई साइन कर लें कॉट वाले पोर्शन को। देयरफॉर वन प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। अगले स्टेप में चाहें तो यह हो सकता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर। और एलसीएम लेकर के ऊपर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या है, वन है, और बाई में क्या लिखा गया, ये है वन बाई साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है वन, यानी वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाई में वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया, बात समझ में आ रही है। अब बच रहा है ये दोनों में डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो इसका आगे का वैल्यू क्या होगा। चलिए सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ कि आगे क्या होगा। तो अब यहाँ पर चाहे तो साइन में डिवाइड कर लें इससे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और अपॉन में साइन थीटा बाई कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा ये लिखेंगे, और बाई में साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया और साइन थीटा, तो फाइनली इसे सेक थीटा माइनस कॉस सेक थीटा लिखेंगे। इस तरह से जो हमारा ऑप्शन है ये आंसर मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर के रूप में आ जाएगा। तो बात समझ में आ रही है कि कैसे यह क्वेश्चंस बन सकता है, किस तरह से हम बना सकते हैं। तो इसी तरह के हम लोग और भी क्वेश्चंस ला सकते हैं, और नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों का होगा, जो भी टॉपिक होगा, उस टॉपिक का सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर लेंगे, और डिस्कस कर लेने के बाद जो सीजीएल में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसको साथ साथ बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और जहाँ कहीं भी बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली आप लोग जो लिंक दिया गया है उस लिंक को देखें और समझें, और उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि ये आपको मदद होगा बनाने में आसानी से, और ये आने वाले मेंस एग्जामिनेशन में भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।